उस शख्सियत को आवाज देता चलूं जिनको किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उर्दू के यकीन हैं और हिंदी के विश्वास हैं। आवाज देता हूं अपने अजीज दोस्त, बेहतरीन संचालक, जवान दिलों की धड़कन, धरती को बेचैन करने वाले, आशिकों को पागल करने वाले शायर, कवि, संचालक डॉक्टर कुमार विश्वास का। मैंने पूरे यकीन, पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ मैंने कहा कि हम कुमार विश्वास को भेज रहे हैं, इंशाल्लाह अगर वो निजामत कर देगा तो पूरी दुनिया के उर्दू वाले ये मानेंगे कि हाँ वो दुनिया का सबसे अच्छा नाटक है। तो मैं उनका इस्तकबाल इस शेर से करता हूँ कि फरिश्ते आके उनके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं, अंधेरी रात में अक्सर सुनहरी मिशले लेकर परिंदों की मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। गुजारिश कर रहा हूं हमारे और आपके महबूब नाज़िम मुशायरा कवि सम्मेलन के संचालक डॉक्टर कुमार विश्वास को। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मुनवराना साहब। मुझे हर कवि सम्मेलन मुशायरे में जो आपने YouTube में सुना होगा, वहां काफी काम करना पड़ता है, काफी जुमले, काफी सारी बातचीत सुनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ सबसे काम कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि शायरी ज्यादा होती है, या शेर बड़े होते हैं, या लोग बड़े होते हैं जिनको सिर्फ आपको आवाज देनी होती है, पुकारना होता है आपकी ओर से। तो मैं आपका काम करने के लिए यहाँ पर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो खामोशी पिछले एक घंटे से यहाँ पर है वो अब टूटेगी और पूरे हॉल में तालियों का एक सैलाब दिखाई देगा आपकी ओर से। आगे से पीछे तक एक बार जोरदार तालियां आपकी ओर से दिखाई देंगी कि आप यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये शायरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन शायरी जीना बहुत कठिन है। जो आप कह रहे हैं उसको जिंदगी में उतारना बहुत कठिन है। मेरा महबूब शायर है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, जॉन एलिया, मुझे वो अचानक याद आया कि कितने ऐश लाते होंगे, कितने ऐश लाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। और यार सुनो सुनो यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत माह, यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के, अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। हमारे एक दोस्त हैं दीक्षित दनगौरी, उनका शेर है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। कुछ इतना दयनीय और डरपोक आदमी है कि शादी करने जाता है तो 250 आदमी लेके जाता है अगली के घर, और वो अकेली निकलती है और दंदनाती उसके घर में घुस जाती है कि आ गई हूं बता। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। मुजफ्फरनगर के हमारे दोस्त हैं अशोक साहिल, उनका एक शेर है कि खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक। वाह, अब देखिएगा आप अगला मिसरा क्या लगाया उस शायर ने, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। मुझे एक उस्ताद शायर का एक शेर याद आया कि दी मुअज्जन ने अजां, दी मुअज्जन ने अजां, वस्ल की शब पिछले पहर। आप सिचुएशन देखिए कि दी मुअज्जन ने अजां, वस्ल की शब पिछले पहर, हाय कमबख्त को किस वक्त खुदाया। क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन नहीं रहा, तेरा क्या एहसान मरने का। लेकिन हिंदुस्तान बड़ा जबरदस्त देश है, वहां की राजनीति पर कविता सदा लिखी जाती है। हमारे देश में बड़ा उत्सव का माहौल रहता है, 10 साल ऐसे प्रधानमंत्री से बोलते ही नहीं थे और अब एक ऐसा आ गया जो चुप ही नहीं हो रहा। मेरे एक शहर के कवि जगपाल सिंह सरोज ने लिखा कि देख पालकी जिस दुल्हन की, महसूस करिए आप कि देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती, देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती,
जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीते गई है। जिसके द्वार, अब अगली पंक्ति तो आपने कभी सोची ना होगी, मुझे तो आज तक नहीं मिली इतनी खूबसूरत पंक्ति। आपको मिले तो मुझे भेजिए, फेसबुक पर भेजिए, मेल करिएगा कि देख पालकी जिस दुल्हन की बह गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी। और एक रोज सपने में छूकर, एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। जॉन एलिया की चार लाइनें याद आ गई कि शर्म वहशत झिझक परेशानी, शर्म वहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती ये वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। दिल्ली का एक शायर है चिराग, उसने बहुत अच्छा शेर कहा है, गजल तेरे अदब की मिसाल देता हूं, तू तवायफों के लबों पे भी बेअदब ना हो। रोज खाली हाथ जब घर लौट कर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जतें हयात नहीं है। इजाजत तो एक बात कहूं वो मगर खैर कोई बात नहीं थी। खास तौर से कुमार विश्वास सुने उन्हीं के लिए शेरदीन को पेश कर रहा हूं। सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके भूमि जुबान बाकी है। वाह वाह, मुझे याद है कि विश्वविद्यालय की कॉपी चेक हो रही थी तो मैं एक बार सेंट्रल रिवॉल्यूशन में पहुंच गया। बीए फर्स्ट ईयर का उर्दू का पर्चा कुछ प्रोफेसर चेक करा रहे थे, तो उसमें प्राइवेट की स्टूडेंट एक लड़की से पूछा था, लड़की ने सवाल लिखा था, प्राइवेट की बच्ची थी, गजल क्या होती है। तो बेचारी नकल बकल से पास होकर 12वीं के बाद आई होगी, तो उन्होंने लिखा गजल वो गाना होता है जिसे बदमाश लड़के खराब लड़कियों को देखकर गाते हैं। तो कई बार जब मैं रात भाई को पढ़ते हुए देखता हूं तो मुझे उस बच्ची पे यकीन करने का मन होता है। उर्दू जिसके बारे में उस्ताद ने कहा कि कहते हैं जिसे उर्दू हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। मुंह में रखकर शक्कर नहीं है जाता हो जात। आखिरी एक चार पांच शेर और सुन लीजिए, गजल कहां मैंने डाल दी। नहीं, लोगों का ध्यान इस पर है कि निकाल कहां से रहे। हजरत बहरहाल मैं जहां से भी निकालू लेकिन है बड़ी कारामत। दुनिया में सुरागे रहे दुनिया नहीं मिलता, अहमद मुश्ताक का शेर है कि दुनिया में सुरागे रहे दुनिया नहीं मिलता, दरिया में उतर जाओ तो दरिया नहीं। जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, गूगल का सर्च इंजन दुनिया में सब कुछ ढूंढ सकता है लेकिन मंदिर और मस्जिद के बाहर खोए हुए जूते नहीं ढूंढ सकता। कि जहां जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर। जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं तक, हुए मस्जिद से गुम जूते हमारे, जहां पे पाए थे खोए वहीं पर। शरद जोशी बड़े व्यंगकार थे, उन्होंने एक लाइन कही, आज तक लोकतंत्र में यूं ही खड़ी हुई है लाइन। आप उस लाइन को जिस तालियों से सुनेंगे मैं समझ जाऊंगा आप व्यंग के हमारे दौर के सबसे बेहतर कवि को सुनने के लिए तैयार है। शरद जोशी ने कहा कि भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। जब भी आप इतिहास की क्लास पढ़ने गए, हिस्ट्री की क्लास में, चाहे आप कॉन्वेंट में पढ़े चाहे किसी सरकारी स्कूल में पढ़े, आपको टीचर ने बताया बाबर कहता था, अकबर कहता था, सिकंदर कहता था, लेकिन जब आप अदब की क्लास में गए, हिंदी और उर्दू की क्लास में गए, तो आपके उस्ताद ने कहा मीर कहता है, सूर कहता है, खालिद कहता है, कबीर कहता है।